ए तुनावा मार ते का कहत रे मैं तेरी माई के तेरा बेटी का आसो तारा माई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवर न्यूज बिहार, मैं हूं शिवम। बिहार का सिवान जिला राजेंद्र प्रसाद का जिला है और आज जो जिला है ऐसी शर्मनाक, अब लोग दूसरे जिले के लोग सिवान जिला के नाम लेने में भी शर्मा रहे होंगे। आखिर क्यों शर्मा रहे हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। सिवान के जो कुछ नेता जी लोग हैं अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम किसको बोल रहे हैं, इस सिवान के जो इतने लोग हैं सबको पता होगा कि लाइव आके कभी कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है तो कभी कोई किसी बहन को गाली दे रहा है। अरे शर्म कीजिए नेता जी लोग, कि आपकी भी माँ होगी, आपकी भी बहन होगी, और इसका असर समाज में क्या पड़ रहा है उस नेता जी लोग को शायद पता नहीं है, तो ही ये फेसबुक पे लाइव आके गाली गलौज कर रहे हैं। शर्म नहीं चाहिए ऐसे नेताओं को जो ऐसे भद्दी भद्दी गाली, जो आप भी सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा कि क्या ये वाकई में नेता हैं या क्या है, आपका भी खून खौल उठेगा। अगर किसी से किसी को दुश्मनी है तो सामने से आके बैठ के बात कीजिए और जो भी करना है कीजिए, लेकिन गाली गलौज वो भी सोशल मीडिया पर आकर करना बहुत गलत बात है। हम अपने न्यूज़ के माध्यम से अगर ये बतला रहे हैं तो शायद हमको भी वो लोग टर्चर क्या बोलते हैं धमकी भी देंगे, लेकिन धमकी का डर एवन न्यूज़ का टीम कभी नहीं करता है, क्योंकि रोजाना एवन न्यूज़ के लोगों को धमकी मिलती है लेकिन कोई डरता नहीं है, डर का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह नेताजी लोग हैं, लगातार 3-4 दिन से ये हो रहा है कि फेसबुक से लाइव आके कभी किसी को कोई माँ का गाली दे रहा है तो कभी किसी को कोई बहन का गाली दे रहा है, तो फिर उसके एंटी में फिर जो एंटी पार्टी है वो फिर किसी की माँ का गाली दे रहा है और किसी के बहन का गाली दे रहा है, जो काफ़ी शर्मनाक है। हम ये पूछना चाहते हैं नेताजी लोग से, उस माँ ने क्या किया है कि जिस माँ को आप लोग गाली दे रहे हैं, उस बहन ने क्या किया है जिस बहन को आप लोग गाली दे रहे हैं। अगर बताना हो तो बताइए खुल के आके लाइव कि हाँ उस माँ ने क्या किया, आपको किया है उसको गाली दीजिए, माँ को और बहन को गाली क्यों दे रहे हैं। ये सवाल मेरा चैनल और हम खुद पूछ रहे हैं उन नेता लोग से जो अपने माँ बहन का गाली फेसबुक पे लाइव आकर दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं। क्योंकि आप भी किसी माँ के कोख से जन्मे होंगे और वो भी जो आपके विरोधी हैं वो भी किसी माँ के कोख से जन्मे होंगे, और माँ की क्या होती है इज्जत, शायद आप नेता बन गए लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आप माँ के हैं, किसी माँ के ही औलाद होंगे। आप जो भी बोल रहे हैं लोग ये बात आके भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं माँ बहन को, आप भी किसी माँ के ही औलाद होंगे, लेकिन माँ को क्यों गाली दे रहे हैं, यह सवाल बहुत ही बड़ा उठ रहा है उन नेताओं के लिए। नेताजी बन गए, नेताजी कहला रहे हैं और आपके जो आगे पीछे घूमने वाले लोग जय जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन इस जयकारा लगाने का फायदा क्या है, या लाइव आकर आप लोग सुना रहे हैं, इस करतूत के कारण आप ही नहीं जिला के लोग भी बदनाम हो रहे हैं, और जगह के लोग सुन रहे होंगे तो थू थू कर रहे होंगे जिला को कि हाँ इस जिला के नेताजी लोग कैसे बदनाम किए हुए हैं इस जिला के नाम को। सलाम नमस्कार करके और लाइव आ रहे हैं लोग कि हम सलाम नमस्कार हम ये बोल रहे हैं और उसके बाद गाली गलौज करना शुरू करते हैं लाइव आके। अरे सोशल मीडिया पे गाली क्यों दे रहे हैं, जाना है तो सामने जाके गाली दीजिए, सामने जो करना है कीजिए उन लोगों से जिसको करना है, लेकिन सोशल मीडिया पर आके इतने भद्दी भद्दी गाली माँ बहन को दे रहे हैं ये काफ़ी घिनौना काम है। अभी भी टाइम है, संभल जाइए, क्योंकि आपके घर में माँ बहन है और जो विरोधी है उनको भी बोल रहे हैं कि उनके घर में माँ बहन है, अपनी माँ बहन का तो कम से कम इज्जत कीजिए। पैसा तो कोई भी कमा सकता है लेकिन माँ बहन का इज्जत लुटाना आसान नहीं होता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट भी है और विनती भी है कि माँ बहन का इज्जत को खुलियाम मत उठाइए, क्योंकि माँ बहन होती है और माँ के कोख से आप जन्मे हुए हैं और माँ का इज्जत करना सीखिए, क्योंकि किसी की माँ माँ होती है और किसी की बहन बहन होती है, और उस राजनीति में आप लोग माँ बहन को बदनाम कर चुके हैं। फिलहाल देखते रहिए एवन न्यूज़, मैं हूँ शिवम, जय हिंद जय भारत।